फर्स्ट पॉइंट लिखो डार्लिंगटन पेयर में, डार्लिंगटन पेयर इस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, डार्लिंगटन पेयर इस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर such that emitter of first amplifier is given as input to base of second amplifier. That means emitter and base are connected together in two intermediate stage. In Darlington pair, overall current gain is approximately equal to beta 1 and beta 2, where beta 1 is current gain of first transistor and beta 2 is current gain of second transistor बीटा और एचएफई सेम होता है ना, आपको पहले बताया था मैं बीटा और एचएफई का रिप्रेजेंटेशन, बीटा और एचएफई क्या होता है आपके लिए सेम होता है, ठीक है। अब यहां पे क्या बोल रहे हैं हम लोग, करंट गेन जो होता है, ओवरऑल करंट गेन क्या होता है, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बीटा वन एंड बीटा टू, मतलब एचएफई वन एंड एचएफई टू, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो फर्स्ट स्टेज का बीटा होगा और सेकंड स्टेज का बीटा होगा, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको अप्रोक्सीमेटली करंट गेन की वैल्यू मिल जाएगी। अप्रोक्सीमेट वर्ड यूज कर रहा हूं, मतलब क्या, जब मैं दोनों ट्रांजिस्टर का अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करूंगा तब मुझको ये रिजल्ट मिलेगा। अगर मैं एक ट्रांजिस्टर का एग्जैक्ट कर रहा हूं, एक ट्रांजिस्टर का अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं, या दोनों ट्रांजिस्टर का एग्जैक्ट कर रहा हूं, तो आपको ऐसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा वन इंटू बीटा टू आएगा, मतलब एच एफ ई वन इंटू एच एफ ई टू आएगा। जनरली क्या होता है, जब भी हम डार्लिंगटन पेयर बनाते हैं तो दोनों ट्रांजिस्टर हमारे लिए आइडेंटिकल होता है। आइडेंटिकल होता है मतलब क्या, उसके बीटा वगैरह सेम होते हैं। बीटा वगैरह सेम होगा तो क्या हो जाएगा, बीटा वन इंटू बीटा टू। अगर बीटा वन इक्वल टू बीटा टू तो क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो ओवरऑल करंट गेन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, बीटा स्क्वायर या बीटा वन इंटू बीटा टू। इस कारण डार्लिंगटन पेयर को हम लोग बोलते हैं सुपर बीटा सर्किट, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, डार्लिंगटन पेयर इज ऑल्सो नोन एज सुपर बीटा सर्किट। देखो फिगर, देखो डार्लिंगटन पेयर का मैं क्या बोला आपके लिए, दो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर को जब हम लोग साइमल्टेनियसली कनेक्ट करते हैं तो हम लोग क्या बनता है, डार्लिंगटन पेयर बनता है, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या किया मैं, ये मेरा बेस है फर्स्ट वाले का, ये मेरा कलेक्टर और ये मेरा एमिटर, फर्स्ट ट्रांजिस्टर की बात करो ना, ये मेरा फर्स्ट ट्रांजिस्टर मतलब इनपुट स्टेज है, स्टेज वन है ये वाला, ठीक है। इसके एमिटर को मैं बेस से कनेक्ट करके रखा हूं अगले ट्रांजिस्टर के, इसके इनपुट को मैं क्या करके रखा हूं, बेस से कनेक्ट करके रखा हूं अगले ट्रांजिस्टर के, ठीक। ये क्या हो जाएगा मेरा कलेक्टर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा एमिटर हो जाएगा। देखो दोनों का कलेक्टर आपका साइमल्टेनियसली एक सप्लाई से कनेक्टेड, जब मैं एसी इक्विवेलेंट ड्रॉ करूंगा तब क्या हो जाएगा मेरे लिए, ये कलेक्टर ग्राउंड, ये वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा और कॉमन टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा इनपुट और आउटपुट के बीच में। अब मैं इनपुट कहां से लूंगा, अगर मैं स्टेज वन ड्रॉ करूं तो हमेशा स्टेज वन में इनपुट दूंगा, स्टेज वन में इनपुट दूंगा मतलब कहां, यहां पे बेस पे इनपुट दूंगा। मैं कॉन्फिगरेशन कौन सा बोल रहा हूं आपके लिए,
कॉमन कलेक्टर बोल रहा हूँ, अगर कॉमन कलेक्टर बोल रहा हूँ तो कभी मैं कॉमन कलेक्टर कलेक्टर टर्मिनल से आउटपुट नहीं लेने वाला हूँ। मैं किससे आउटपुट लूंगा? एमिटर से आउटपुट लूंगा। कौन से? स्टेज टू के। मतलब मैं यहां से आपके लिए लूंगा क्या? आउटपुट लूंगा। ठीक है, यहां से मैं क्या करूंगा आपके लिए? आउटपुट लूंगा। ठीक है, अब मैं क्या बोला हूं आपके लिए? दोनों क्या है आपके लिए? कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। दोनों क्या है आपके लिए? कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है। ठीक है, अगर कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है तो क्या होने वाला है आपके लिए? कॉमन कलेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है? यूनिटी वोल्टेज गेन। कॉमन कलेक्टर प्रॉपर्टी क्या होती है? यूनिटी वोल्टेज गेन। तो जो फर्स्ट स्टेज का वोल्टेज गेन है वो कितना होगा? 1। सेकंड स्टेज का 1 × 1 1। तो ओवरऑल वोल्टेज गेन क्या होता है डार्लिंगटन पेयर का? 1 होता है। मतलब डार्लिंगटन पेयर को मैं इंपेडेंस मैचिंग के लिए यूज कर सकता हूँ। डार्लिंगटन पेयर को मैं इंपेडेंस मैचिंग के लिए यूज कर सकता हूँ अगर मेरे लिए दो ट्रांजिस्टर कनेक्टेड है तो, है ना। एक्चुअली क्या होता है, डार्लिंगटन पेयर हमेशा टू ट्रांजिस्टर को नहीं बोलते। अगर आप एन नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर भी कनेक्ट कर देते हो तो भी आप उसको डार्लिंगटन पेयर बोलोगे। मतलब बस सारे के सारे ट्रांजिस्टर आपके लिए कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में होने चाहिए। अगर आप ऐसा एन नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर कनेक्ट कर दो, मतलब क्या, जैसा इसके एमिटर को बेस से कनेक्ट किया, इसके एमिटर को भी एक बेस से कनेक्ट कर दो, उसके अगले वाले के एमिटर को भी अगले ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्ट कर दो, तो ऐसे आप एन नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर कनेक्ट कर डालो तो भी आप डार्लिंगटन पेयर बोलोगे, तो भी आप डार्लिंगटन पेयर बोलोगे। एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में जब भी आप एन नंबर ऑफ कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर को कैस्केड कर देते हो तो उसको आप डार्लिंगटन पेयर बोलते हो। लेकिन उसका डिसएडवांटेज होता है ना, क्योंकि आप क्या पढ़े हो कि जो वोल्टेज गेन होता है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू यूनिटी होता है। वो क्या होता है आपके लिए? अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू यूनिटी। सपोज करो कि फर्स्ट वाले का वोल्टेज गेन 0.99 है, सेकेंड वाले का वोल्टेज गेन भी 0.99 है। ठीक, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 0.9896 हो जाएगा लगभग, है ना। ऐसा तीन ले लिया मैं, ऐसा तीन ले लिया, तीनों का वोल्टेज गेन क्या है? 0.99 0.99 0.99 0.99। तो क्यूब क्या हो जाएगा आपके लिए? 0.95 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, ऐसी अगर मैं 100 स्टेज कनेक्ट कर दिया, सबका वोल्टेज गेन 0.99 है, सबको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो बहुत छोटी वैल्यू मिलेगी। तो जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ स्टेज बढ़ाता जाता हूं डार्लिंगटन पेयर में, वैसे वैसे वोल्टेज गेन की वैल्यू कम होती जाती है, वैसे वैसे वोल्टेज गेन की वैल्यू कम होती जाती है। मतलब क्या, इस कॉन्फ़िगरेशन की वोल्टेज को एम्पलीफाई करने की टेंडेंसी खत्म होते जाती है। एम्पलीफाई तो खैर कर ही नहीं रहा है, बफर की तरह ऐड कर रहा है। तो अगर मैं एन नंबर ऑफ स्टेज कनेक्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेटर में डालकर इतना 0.99 × 100, तो आपको बहुत छोटी वैल्यू मिलेगी, आपको बहुत ही ज्यादा छोटी वैल्यू मिलेगी। तो उस केस में क्या होगा, ये वोल्टेज को एम्पलीफाई नहीं कर पाएगा। कारण जनरली हम लोग क्या ट्राई करते हैं कि डार्लिंगटन पेयर वाले केस में, ताकि हम इंपेडेंस मैचिंग कर सकें, इस कारण हम लोग एन नंबर ऑफ स्टेजेस को, ज्यादा नंबर ऑफ स्टेजेस को हम लोग कनेक्ट नहीं करते। अगर हमारा एप्लीकेशन वोल्टेज बफर बनाना है तो, अगर हमको वोल्टेज बफर नहीं बनाना है तो नो प्रॉब्लम, आप कितने भी स्टेज यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस फिगर को ड्रॉ मत करना, एक हेडिंग डालो, फीचर्स ऑफ डार्लिंगटन पेयर। फर्स्ट लिखो, वेरी हाई करंट गेन। वेरी हाई करंट गेन। ऐसा क्यों? दो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर कनेक्टेड है, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का करंट गेन हाईएस्ट होता है। ठीक है, तो इसका भी हाईएस्ट रहेगा, इसका भी हाईएस्ट रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर डालो, है ना। तो दो हाई नंबर मिलकर सबसे हाई बन जाएगा। ठीक है, तो एक कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का करंट गेन क्या होता है? बहुत ही ज्यादा हाई होता है। अगर मैं 5-6 स्टेज कनेक्ट करूँ तब तो फिर मेरे को लाखों में गेन मिलेगा। अगर मैं 5-6 स्टेज कनेक्ट करूँ तो उसको लाखों में गेन मिलेगा, है ना। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, अगर मैं बहुत सारे स्टेज को कनेक्ट करते जा रहा हूँ तो मेरे करंट गेन की वैल्यू बढ़ते जा रही है और मेरे वोल्टेज गेन की वैल्यू कम होते जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वोल्टेज गेन ऑफ डार्लिंगटन पेयर, वोल्टेज गेन ऑफ डार्लिंगटन पेयर इज जनरली लेस देन यूनिटी, इज जनरली लेस देन यूनिटी, इज जनरली लेस देन यूनिटी। ठीक है, डार्लिंगटन पेयर के वोल्टेज गेन की वैल्यू हमेशा लेस देन यूनिटी होती है। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली 1 किसी का भी गेन नहीं होता है। अगर दो नंबर जिनकी वैल्यू 1 से कम है उनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो और भी छोटा नंबर मिलेगा। मैं पहले बोला आपको कि आप n नंबर ऑफ कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर को भी कनेक्ट करोगे तो भी वो क्या कहलाएगा आपके लिए? डार्लिंगटन पेयर कहलाएगा। उस केस में अपने वोल्टेज को एम्पलीफाई करने की टेंडेंसी को ये लूज करता जाएगा, ये एट्यूनेटर बनता जाएगा, वोल्टेज एट्यूनेटर बनता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हाई इनपुट इंपेडेंस। एक कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का जो इनपुट इंपेडेंस होता है वो क्या होता है? अक्सर आपके लिए हाई होता है। ठीक है, तो आप क्या मिल जाएगा यहाँ पे? हाई इनपुट इंपेडेंस मिल जाएगा। ठीक, तो यहां से देखूंगा मैं इनपुट इंपेडेंस, तो फर्स्ट स्टेज का इनपुट इंपेडेंस क्या होगा? हाई होगा। तो आपको क्या मिल गया? हाई इनपुट इंपेडेंस। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लो आउटपुट इंपेडेंस। ठीक है, तो यहां पे क्या मिलेगा आपको? लो आउटपुट इंपेडेंस मिलेगा।
एक कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का इनपुट इम्पिडेंस हाई होता है, आउटपुट इम्पिडेंस लो होता है, तो एक्चुअली डार्लिंगटन पेयर क्या कर रहा है आपके लिए, इम्पिडेंस वाले केस में कॉमन कलेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। इम्पिडेंस की बात करूं अगर मैं तो ये एक्जैक्टली कॉमन कलेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। एक सिंगल स्टेज कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का इनपुट इम्पिडेंस भी हाई होता है, आउटपुट इम्पिडेंस भी लो होता है। बहुत सारे स्टेज लगा लो तो भी उसका इनपुट इम्पिडेंस हाई रहेगा, आउटपुट इम्पिडेंस लो रहेगा, क्योंकि आप इनपुट में भी कॉमन कलेक्टर दिख रहा है, आउटपुट में भी आपको कॉमन कलेक्टर दिख रहा है। मतलब क्या, डार्लिंगटन पेयर कभी भी इंपिडेंस वाले प्रॉपर्टी को टेंपर नहीं कर पाता, इंपिडेंस वाले प्रॉपर्टी को कभी भी इफेक्ट नहीं करता। जैसा आपका कॉमन एमिटर इंपिडेंस के लिए बिहेव करेगा, वैसा ही आपका डार्लिंगटन पेयर भी इंपिडेंस के लिए बिहेव करेगा। यहाँ पे हो क्या रहा है, केवल और केवल आपके करंट गेन की वैल्यू बहुत ड्रास्टिकली हाई इंक्रीज हो जा रही है, ठीक है, क्योंकि अगर इसका करंट गेन भी 500 है, इसका करंट गेन भी 500 है, दोनों मल्टीप्लाई होकर 25,000 का करंट गेन देगा आपको, है ना। तो बस इसमें करंट गेन की वैल्यू बहुत हाई होते जा रही है और आपके वोल्टेज गेन की वैल्यू क्या होते जा रही है, बहुत ही ज्यादा कम होते जा रही है, ठीक है। सब स्टेटमेंट अगर आपको कॉमन कलेक्टर का अच्छा आइडिया तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपको कॉमन बेस कॉमन एमिटर का अच्छा आइडिया तो आपको कैस्कोड लेवल का भी स्टेटमेंट याद करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस पर सप्लाई वगैरह देता हूँ। सब पहले इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या होगा मेरे लिए, एक IB करंट फ्लो करेगा, यहां से मेरे लिए IB करंट फ्लो करेगा, यहां से मेरे लिए IC करंट फ्लो करेगा और यहां से मेरे लिए IE करंट फ्लो करेगा, क्योंकि मेरे लिए ट्रांजिस्टर Q1 है, इसको मैं Q1 बोल रहा हूँ, फर्स्ट ट्रांजिस्टर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए IB1, IE1 और IC1, ठीक। यहां से जो करंट फ्लो करेगा वो क्या हो जाएगा मेरे लिए IB2, यहां से जो करंट फ्लो करेगा ये क्या हो जाएगा मेरे लिए IC2, यहां से जो करंट फ्लो करेगा वो मेरे लिए क्या हो जाएगा IE2, ठीक है। तो एक्चुअली IE1 और IB2 क्या होगा आपके लिए, सेम होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हम लोग के लिए एक डार्लिंगटन पेयर का बेसिक फिगर। इस फिगर में अभी तक के मैं आपके लिए ना लोड कनेक्ट किया हूँ, ना आपके लिए मैं सोर्स कनेक्ट किया हूँ। एक बार क्या करता हूँ, इस फिगर को देखो, मैं दूसरा फिगर बनाता हूँ जहां पे मैं आपके लिए लोड और सोर्स दोनों को कनेक्ट करता हूँ, ठीक। तो यहां पे बनाता हूं मैं आपके लिए एक लोड और सोर्स वाला फिगर। सोर्स कहां लगाना है मुझको, इनपुट स्टेज में सोर्स लगाना है, ठीक है। तो पहले मैं क्या किया आपके लिए, एक डार्लिंगटन पेयर बनाया, ये हो गया मेरा इनपुट स्टेज, ठीक। ये वाला क्या हो गया मेरे लिए इनपुट स्टेज। तो इनपुट स्टेज में मैं सोर्स कनेक्ट करूंगा, सोर्स क्या होगा मेरे लिए, एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होगा। तो एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स लगा दिया RS के साथ, तो ये हो गया मेरे लिए RS के साथ, ठीक। ये हो गया मेरे लिए, ये हो गया RS, ये हो गया मेरे लिए VS और ओमेगा नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक। वैसे ही मुझको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, ये तो हो गया मेरे लिए प्लस VCC, ठीक। यहाँ पे मैं लगाऊंगा आपके लिए एक लोड रजिस्टर, एक कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर के लिए लोड रजिस्टर क्या होता है, RE आपके लिए लोड रजिस्टर होता है। तो मैं क्या कर दिया यहाँ पे आपके लिए RE कनेक्ट कर दिया, तो ये हो गया आपके लिए RE से जो मैं आउटपुट लूंगा ये क्या हो जाएगा मेरे लिए आउटपुट वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे लिए आउटपुट वोल्टेज के बराबर। एक्चुअली क्या है ये, इसको मैं एक्चुअली RE2 बोलूंगा। RE2 क्यों बोलूंगा, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर Q2 का एमिटर रेजिस्टेंस, इसको मैं क्या बोलूंगा RE2 बोलूंगा। अगर आप ध्यान से देखो इसमें कुछ कनेक्टेड है क्या, RE इसमें कनेक्टेड है, इसमें RE कनेक्टेड नहीं है, इसमें आपके लिए RE कनेक्टेड नहीं है, ये आपके लिए क्या है ट्रांजिस्टर Q1 है, इसमें ट्रांजिस्टर Q2 है। आप कनेक्शन को प्रॉपर वे में देखो, क्या फर्स्ट वाले ट्रांजिस्टर का एमिटर और ग्राउंड के बीच में कुछ कनेक्शन है, कोई कनेक्शन नहीं है। अगर RE होता फर्स्ट वाले ट्रांजिस्टर के बीच में और ग्राउंड के बीच में तो कनेक्शन होता, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि यहाँ पे RE है, यहाँ पे आपके लिए एमिटर रेजिस्टेंस है मगर उसकी वैल्यू इन्फिनिटी है, यहाँ पे एमिटर रेजिस्टेंस है मगर उसकी वैल्यू क्या है इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी तभी तो ओपन सर्किट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आपके लिए वर्चुअली एक रजिस्टर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक, ग्राउंड और इसके बीच में। बट ये क्या है आपके लिए RE1 है और इसकी वैल्यू कितनी है इन्फिनिटी है, तभी तो ओपन सर्किट इस कारण कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये बना आपके लिए एक डार्लिंगटन पेयर का फिगर, ये हो गया मेरे लिए सोर्स वोल्टेज, ये हो गया मेरे लिए अपना लोड, ठीक है। RE क्या है यहाँ पे लोड। इस फिगर के लिए हम लोग करेंगे अपना पूरा का पूरा एनालिसिस। ये हो गया मेरे ट्रांजिस्टर Q1, ये हो गया मेरे ट्रांजिस्टर Q2 और दोनों को मान रहा हूं मैं मैश ट्रांजिस्टर। मैश ट्रांजिस्टर मतलब क्या, सारे के सारे हाइब्रिड पैरामीटर्स की वैल्यू सेम होगी, कलेक्टर करंट की वैल्यू भी सेम होगी, अमीटर करंट की वैल्यू भी सेम होगी, बेस करंट की वैल्यू भी सेम होगी, बीटा की वैल्यू भी सेम होगी। बीटा मतलब HFE, ठीक है। कुछ लोग बीटा बोलते हैं, कुछ लोग HFE बोलते हैं। तो आपको क्लियर, आपको बताया था बीच में, है ना, बीटा और HFE के बारे में। ड्रॉ करो फिगर दोनों, फर्स्ट फिगर ये वाला ड्रॉ करना, सेकंड फिगर ये वाला ड्रॉ करना। पहला लिखना है आपको क्या, करंट गेन। आपको यहाँ पे बीच में लोड रजिस्टर दिख रहा है क्या, दोनों के बीच में लोड रजिस्टर। कल मैं दो एम्पलीफायर ड्रॉ किया था, बीच में एक लोड रजिस्टर ड्रॉ किया था, तो क्या बोला था वहां पे लोडिंग इफेक्ट आएगा। अगर लोडिंग इफेक्ट आएगा तो आप AB1 into AB2 नहीं लिख सकते। तो क्या यहाँ पे आपको लोडिंग इफेक्ट दिख रहा है,
यहाँ पे लोडिंग इफेक्ट आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि ये क्या है आपके लिए इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी मतलब क्या, यहाँ पे आपके लिए लोडिंग इफेक्ट नहीं आने वाला है, मतलब आप बड़े आसानी से AV1 into AV2 लिख सकते हो, AI1 into AI2 भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। एक अजम्पशन करके हेडिंग डालो, अजम्पशंस, बोथ द ट्रांजिस्टर्स Q1 and Q2 आर आइडेंटिकल, both transistors Q1 and Q2 are identical. Next point में लिखना, both transistors have identical values of hybrid parameters. Both transistors have identical value of hybrid parameters. ऐसा हम लोग assume किए, ठीक है, derive करने के लिए हम लोग क्या किए यहाँ पे, assume किए। अदरवाइज क्या हो जाता है कि जनरली तो लोग सिंगल स्टेज एम्पलीफायर को भी हैंडल नहीं कर पाते हैं, डबल स्टेज एम्पलीफायर को हैंडल करना और भी टफ हो जाता है, मल्टी स्टेज को हैंडल करना आसान है ना। अगर मैं यहाँ पे एन नंबर ऑफ स्टेज बोल दूंगा तो मुझको सबका जनरलाइज फॉर्मूला पता रहेगा, तो मल्टी स्टेज को हैंडल करना आसान है लेकिन टू स्टेज को हैंडल करना लगभग सबसे टफ होता है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना मैं टू स्टेज का एनालिसिस कैसे करता हूँ। पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे करंट गेन, ठीक है, हमेशा हम लोग इसी सीक्वेंस में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं लिखता हूँ आपके लिए करंट गेन, ठीक। अजम्पशन है मेरा स्टार्टिंग में, ऐसा अजम्पशन है बोला मैं, है ना, स्टार्टिंग में मेरा अजम्पशन है कि मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करने वाला हूँ, ऐसा स्टार्टिंग में मेरा अजम्पशन है, देखते हैं आगे कितना देर तक ये अजम्पशन स्टैंड करने वाला है मेरे लिए, ठीक है। तो अगर मैं करंट गेन की बात करूँ तो ओवरऑल करंट गेन की बात करूंगा, अगर ओवरऑल करंट गेन की बात करूंगा मैं आपके लिए, ठीक है, तो AI क्या हो जाएगा मेरे लिए, AI हो जाएगा मेरे लिए AI1 into AI2, ऐसा हो जाएगा मेरे लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो लोडिंग रजिस्टर इन्फिनिटी है, लोडिंग रजिस्टर इन्फिनिटी मतलब क्या, कोई लोडिंग इफेक्ट होने वाला है नहीं, रिलेशन तो मैं बहुत आसानी से लिख सकता हूँ। अगर लोडिंग इफेक्ट होता तो ये रिलेशन लिखना मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है ना, तब भी आप लिख सकते हो, मतलब तब भी आप ऐसा लिख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्वल होगा, एक्जैक्टली इसके इक्वल नहीं होगा, लेकिन अभी फिलहाल तो यहाँ पे लोडिंग इफेक्ट एक्जिस्ट नहीं कर रहा है तो एक्जैक्टली इसी के इक्वल होगा, ठीक है। आपको बहुत अच्छा आइडिया भी है एक कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का और एक कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का, आप दोनों को रिलेट भी कर सकते हो बहुत अच्छे से, है ना, एक कॉमन एमिटर को और कॉमन कलेक्टर को आप रिलेट कर सकते हो, मतलब क्या HFC को आप HFE के टर्म्स में बहुत आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं कल आपको एक पॉइंट लिखवाया था, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आपके लिए स्टार्टिंग में मैं Q2 को कंसिडर करता हूँ, स्टार्टिंग में मैं अपने ट्रांजिस्टर Q2 को कंसिडर करता हूँ, Q2 में क्या है मेरे लिए लोड भी लगा हुआ है, Q2 में तो मेरे लिए लोड लगा हुआ है, ठीक है, तो Q2 को मैं कंसिडर करता हूँ और पहले मैं लिखता हूँ आपके लिए AI2 की वैल्यू, AI2 की वैल्यू। स्टार्टिंग में क्या बोला मैं, हम लोग कर रहे हैं अप्रोक्सीमेट एनालिसिस, हम लोग क्या कर रहे हैं आपके लिए अप्रोक्सीमेट एनालिसिस, अगर अप्रोक्सीमेट एनालिसिस कर रहे हैं तो मैं सिर्फ ट्रांजिस्टर Q2 की बात करता हूँ, Q2 क्या है मेरे लिए एक कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है, एक कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का करंट गेन कितना आता है -HFC आता है, कितना आता है आपके लिए -HFC के आसपास आएगा, कितना आएगा आपके लिए -HFC, ठीक है, -HFC आ गया मेरे लिए। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं कितना आया मेरे लिए -HFC आया सिर्फ सेकंड स्टेज की AI2 लिखा हूँ सेकंड स्टेज की, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरे सारे रिजल्ट हैं उसको मैं एमिटर वाले के टर्म्स में लिखूँ, उसको मैं HFE के टर्म्स में लिखूँ, तो अगर मैं -HFC को HFE के टर्म्स में लिखूंगा तो क्या आ जाएगा 1+HFE, तो ये क्या आ गया मेरे लिए सेकंड ट्रांजिस्टर का टोटल करंट गेन आ गया, सेकंड ट्रांजिस्टर का ना, सिर्फ सेकंड ट्रांजिस्टर की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ट्रांजिस्टर मेरे लिए इन्वॉल्व नहीं है। सबको क्लियर हुआ कैसे आया ये AI2 क्या है, कैसे आया -HFC, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस हमेशा ऐसे ही आता है, अगर कॉमन एमिटर होता तो -HFE आता, कॉमन में होता तो -HFE आता, अभी कितना आया -HFE, इसको मैं HFE वाले टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, तो ये कितना हो गया मेरे लिए 1+HFE। यहाँ पे मेरे लिए सेकंड ट्रांजिस्टर का काम खत्म, अब मेरे सेकंड ट्रांजिस्टर का कोई काम नहीं, अब मेरे से काम है सिर्फ फर्स्ट ट्रांजिस्टर का, अगर मैं AI1 फाइंड कर लेता हूं तो बस मुझको मल्टीप्लाई करना है, मुझको टोटल मेरे लिए करंट गेन मिल जाएगा, तो मेरा पूरा फोकस शिफ्ट होता है फर्स्ट ट्रांजिस्टर में, ठीक है। सेकंड ट्रांजिस्टर बहुत आसान है, सेकंड ट्रांजिस्टर में क्या किया था मैं आपके लिए, सीधा अप्रोक्सीमेट एनालिसिस माना था और उसके बाद -HFC लिख लिया था, इक्वल टू 1+HFE मेरे लिए आ गया। अब मैं आता हूं आपके लिए फर्स्ट ट्रांजिस्टर के केस में, ठीक है। सेकंड ट्रांजिस्टर को जो आप देख रहे थे तो वहां पे आपके लिए लोड कनेक्टेड था, उस लोड की वैल्यू क्या थी आपके लिए RE थी, उस लोड की वैल्यू कितनी थी RE थी। सेकंड ट्रांजिस्टर को देखो, सेकंड ट्रांजिस्टर में कुछ लोड दिख रहा है क्या आपको, कोई लोड नहीं दिख रहा है सेकंड ट्रांजिस्टर में, तो ऐसे भी आपकी RE1 की वैल्यू क्या है इनफाइनाइट है, ठीक है। अगर मैं आपके लिए यहां पे से एक एरो ड्रॉ करता हूं, है ना, यहां पे से मैं एरो ड्रॉ करता हूं और इसको मैं बोलता हूं RI2, मतलब इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड ट्रांजिस्टर, RI2 क्या है मेरे लिए इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड ट्रांजिस्टर, मतलब अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ा होऊंगा, अगर मुझको लोड देखना है तो मैं इस पॉइंट पे खड़ा होऊंगा, जब मैं RI2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा, सपोज करो कि मैं RI2 की वैल्यू
कैलकुलेट कर डाला, अगर मैं आर आई टू की वैल्यू कैलकुलेट कर डाला तो आर आई टू का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा एक रजिस्टर से। अगर ये एक रजिस्टर से रिप्लेस हुआ तो आगे का पूरा नेटवर्क भी एक रजिस्टर से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि क्या है, इक्विवेलेंट इनपुट इंपेडेंस है। मतलब आर आई टू विल एक्ट एज लोड फॉर फर्स्ट ट्रांजिस्टर। क्लियर हुआ सबको? आर आई टू आपके लिए फर्स्ट ट्रांजिस्टर के लिए लोड की तरह बिहेव करेगा। क्लियर हुआ? तो एक्चुअली किसी को ऐसा लगा कि फर्स्ट ट्रांजिस्टर अनलोडेड है, अनलोडेड नहीं है, अनलोडेड नहीं है। हाँ, लोडिंग रजिस्टर जो वहां पे होना चाहिए था उसकी वैल्यू इनफाइनाइट है, ठीक है। तो अगर आप यहां खड़े होकर रजिस्टेंस देखना चाहो तो ये तो इन्फिनिटी है, ठीक है। अगर ये होता, इफ ये एग्जिस्ट करता, तो आपको आर आई वन पैरेलल विथ आर आई टू दिखता, लेकिन अभी तो ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो अब क्या दिखेगा, आर आई टू दिखेगा। मतलब क्या हुआ आपके लिए, जो आपका आर आई टू है, जो आपका आर आई टू है एक्सएस लोड फॉर, एक्सएस लोड फॉर फर्स्ट ट्रांजिस्टर, एक्सेस लोड फॉर फर्स्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो आर आई टू की बात करते हैं हम लोग। आर आई टू क्या है, इनपुट इंपेडेंस ऑफ सेकंड ट्रांजिस्टर। आर आई टू क्या है आपके लिए, इनपुट इंपेडेंस ऑफ सेकंड ट्रांजिस्टर। अब सेकंड ट्रांजिस्टर कौन से कॉन्फ़िगरेशन में है आपके लिए, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में। अगर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो एक कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का इनपुट इंपेडेंस क्या होता है, हाई होता है कि लो होता है। अभी लिखे हम लोग, अभी स्टेटमेंट लिखे, क्या लिखे थे, हाई लिखे थे। एक इनपुट इंपेडेंस क्या होता है आपके लिए, हाई होता है एक कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का, बट ये इनपुट इंपेडेंस होगा सेकंड ट्रांजिस्टर का। फर्स्ट के लिए क्या है, ये फर्स्ट के लिए तो ये लोड रजिस्टर है, फर्स्ट ट्रांजिस्टर के लिए क्या है, ये लोड की तरह बिहेव कर रहा है, सेकंड का इनपुट है बट फर्स्ट का क्या है, ये लोड है। तो जब भी मैं किसी ट्रांजिस्टर का एनालिसिस करता हूं तो मैं कैसे चेक करता हूं, अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट, एचओई इंटू आर एल मल्टीप्लाई करके, एचओई इंटू आर एल मल्टीप्लाई करके, है ना। तो मेरा फिलहाल अजम्पशन है कि जो मेरा आर आई टू का वैल्यू है ये तो जनरली हाई होता है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर के लिए, ठीक है। तो अगर मैं चाहूं कि फर्स्ट ट्रांजिस्टर का एग्जैक्ट एनालिसिस होगा कि अप्रोक्सीमेट एनालिसिस होगा, अगर ऐसा मैं जानना चाहूं, है ना, तो मैं क्या करूंगा, एच ओ सी लूंगा, फर्स्ट ट्रांजिस्टर का एच ओ सी लूंगा, उसको मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट ट्रांजिस्टर के लोड रजिस्टर के साथ। और एक्चुअली फर्स्ट ट्रांजिस्टर का लोड रजिस्टर क्या है, आर आई टू, आर आई टू क्या है, फर्स्ट ट्रांजिस्टर का लोड रजिस्टर, जिसकी वैल्यू जनरली हम क्या मान रहे हैं, फिलहाल तो हम लोग हाई मान रहे हैं। अगर हम लोग इसको हाई मान रहे हैं तो कंफर्म आपके एचओई इंटू आरएल का प्रोडक्ट 0.1 से ज्यादा आने वाला है, एचओई इंटू आरएल का प्रोडक्ट 0.1 से ज्यादा आने वाला है। मतलब क्या, मैं फर्स्ट ट्रांजिस्टर का अप्रोक्सीमेट एनालिसिस नहीं कर सकता, मैं फर्स्ट ट्रांजिस्टर का अपने अप्रोक्सीमेट एनालिसिस नहीं कर सकता, क्योंकि आर आई टू क्या है, सेकंड ट्रांजिस्टर का इनपुट इंपेडेंस है, और सेकंड ट्रांजिस्टर क्या है, कॉमन कलेक्टर, और कॉमन कलेक्टर का इनपुट इंपेडेंस क्या होता है आपके लिए, हाई होता है। तो जब मैं देख के जज किया यहां पे एचओसी आरएल की वैल्यू, तो वो हाई आनी चाहिए, वो हाई आनी चाहिए, है ना। तो मैं क्या करता हूं, सेफ्टी जोन में रहने के लिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि 0.1 से ज्यादा ही आएगा, बट फिर भी सेफ्टी जोन में रहने के लिए मैं अपने फर्स्ट ट्रांजिस्टर का एग्जैक्ट एनालिसिस करूंगा, ठीक है, सेफ्टी जोन में रहने के लिए। ऐसा जरूरी नहीं है, आर आई टू की एग्जैक्ट वैल्यू पता होगी अगर आपको एग्जाम में, तो आप देखो मल्टीप्लाई करके, हो सकता है कि आपको अप्रोक्सीमेट एनालिसिस भी करना पड़े, लेकिन हमेशा एग्जैक्ट इज बेटर देन अप्रोक्सीमेट, है ना। तो मैं सेफ्टी के लिए क्या करता हूँ, फर्स्ट ट्रांजिस्टर का एग्जैक्ट एनालिसिस करूंगा, सेकंड का मैं अप्रोक्सीमेट किया था, सेकंड का क्या किया था, मैं अप्रोक्सीमेट किया था, उससे आ भी गया था मेरा 1+HFE। लेकिन सबको क्लियर हुआ यहाँ पे, जो लोड है इसकी वैल्यू हाई है, इस कारण अगर मैं फर्स्ट ट्रांजिस्टर की बात करूं केवल, है ना, सिर्फ फर्स्ट ट्रांजिस्टर की, तो एच ओ सी इंटू आर एल, एच ओ सी इंटू आर एल मतलब क्या, एच ओ सी इंटू आर आई टू मे बी ग्रेटर देन 0.1, मे बी बोल रहा हूं, मे बी बोल रहा हूं। इस कारण कुछ कॉम्प्लेक्सिटी को अवॉइड करने के लिए मैं क्या बोल दे रहा हूं आपके लिए, कि हम लोग इसका एग्जैक्ट एनालिसिस कर लेते हैं, एग्जैक्ट तो हमेशा बेटर है ना, अप्रोक्सीमेट तो हमेशा अप्रोक्सीमेट होता है, एग्जैक्ट हमेशा बेटर होता है, तो हम लोग एग्जैक्ट कर डालते हैं, फर्स्ट वाले ट्रांसफर का हम लोग क्या कर डालते हैं, एग्जैक्ट एनालिसिस कर डालते हैं, ठीक है। तो क्यू वन का क्या होने वाला है मेरे लिए, क्यू वन का होने वाला है मेरे लिए एग्जैक्ट एनालिसिस, क्यू वन का होने वाला है एग्जैक्ट एनालिसिस। इसी कारण स्टार्टिंग में आपको बोला था कि स्टार्टिंग में मैं अज्यूम किया हूं कि अप्रोक्सीमेट एनालिसिस होगा, स्टार्टिंग में ऐसा मैं अज्यूम किया हूं, ठीक है, लेकिन बाद में आके ये ब्रेक हो गया। मतलब क्या, डार्लिंगटन पेयर का एनालिसिस करते वक्त आउटपुट स्टेज का अप्रोक्सीमेट करते हैं, इनपुट स्टेज का एग्जैक्ट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिविजुअली आर आई टू की, सिर्फ आर आई टू की बात करते हैं हम लोग, है ना। तो अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपके लिए आर आई टू की वैल्यू लिखना चाहता हूं, ठीक है, तो आप देखो आर आई टू क्या है, आर आई टू तो सेकेंड ट्रांजिस्टर का पैरामीटर है, आर आई टू तो आपके लिए सेकेंड ट्रांजिस्टर का पैरामीटर है। सेकेंड ट्रांजिस्टर का तो हम लोग क्या कर रहे थे, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस ही कर रहे थे, सेकंड ट्रांजिस्टर तो हम लोग अप्रोक्सीमेट एनालिसिस कर रहे थे। तो एक्चुअली आर आई टू तो आपके लिए अप्रोक्सीमेट एनालिसिस से आ जाएगा, आर आई टू की वैल्यू आप अप्रोक्सीमेट एनालिसिस से लिख सकते हो। सेकेंडरी चीज ये क्या है आपके लिए,
कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है। कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है मतलब क्या, यूनिटी वोल्टेज गेन, यूनिटी वोल्टेज इनके साथ साथ क्या हाई करंट गेन, यूनिटी वोल्टेज साथ साथ क्या गया हाई करंट गेन। हाई करंट गेन मतलब क्या, हाई वैल्यू ऑफ बीटा, हाई वैल्यू ऑफ बीटा मतलब क्या एचएफई की वैल्यू हाई है, एचएफई की वैल्यू या एचएफसी की वैल्यू क्या है आपके लिए हाई है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आरआई टू का वैल्यू लिखना चाहता हूं, मैं आपके लिए आरआई टू का वैल्यू लिखना चाहता हूं अमीटर के टर्म्स में, अमीटर के हाइब्रिड पैरामीटर के टर्म्स में। डायरेक्टली हम लोग ऐसा बहुत बार लिखे, तो आप देखो यहां पर लोड रजिस्टर क्या है आरई है, तो मैं आरआई टू को ऐसा लिख सकता हूं आपके लिए डायरेक्ट अमीटर के टर्म्स में एच आई ई प्लस वन प्लस एच एफ ई इंटू आरई। लेकिन एचएफई की वैल्यू क्या है हाई, एचएफई की वैल्यू क्या है बहुत हाई, बहुत हाई मतलब कम से कम 100 तो होगा, कम से कम 100 तो होगा। तो मैं 1 प्लस एचएफई को लगभग एचएफई लिख सकता हूं क्या, 1 प्लस एचएफई को मैं लगभग एचएफई लिख सकता हूं। अब ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, आरआई टू मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों, आरआई टू इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं तो अभी फर्स्ट का एनालिसिस कर रहा हूं, सेकंड का तो मैं कर चुका, सेकंड के लिए मेरे आंसर भी आ गया 1 प्लस एचएफई, सेकंड का तो मैं आंसर भी ला चुका हूं, है ना, मैं तो अभी फर्स्ट का एनालिसिस कर रहा हूं। ये क्या है मेरे लिए फर्स्ट वाले के लिए लोड है, ये मेरा फर्स्ट वाले का लोड है। तो अगर मैं आर एल वन की बात करूं, है ना, अगर मैं आपसे आर एल वन की बात करूं तो ये भी मेरे लिए बराबर होगा एच आई ई प्लस वन प्लस एच एफ ई आर ई के, ठीक है, इसके बराबर होगा। ये लोड रजिस्टर है मेरे फर्स्ट वाले ट्रांजिस्टर के लिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, आपके फर्स्ट वाले ट्रांजिस्टर का करंट गेन लिखता हूं, फर्स्ट ट्रांजिस्टर का करंट गेन, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूं फर्स्ट ट्रांजिस्टर के लिए आपके लिए एग्जैक्ट एनालिसिस कर रहा हूं, अगर एग्जैक्ट कर रहा हूं तो उसको मैं क्या लिखूंगा माइनस एच एफ सी अपॉन वन प्लस एच ओ सी इंटू आर एन डैश। ये तो होता है एग्जैक्ट का फॉर्मूला, एग्जैक्ट का जनरलाइज्ड फॉर्मूला तो यही होता है, एग्जैक्ट वाले का जनरलाइज्ड फॉर्मूला ऐसा ही होता है, सबको याद है ना, हम लोग जनरलाइज्ड मॉडल बनाए थे वहां से कॉमन कलेक्टर के लिए, ऐसा ही फॉर्मूला निकाले थे हम लोग, है ना, हम तो एच एफ अपॉन वन प्लस एच ओ आर एल लगाए थे, अगर कलेक्टर है तो मैं सी सी लगा दूंगा, तो सब मैंने क्या कर दिया सी सी लगा दिया, ठीक है। लेकिन मुझको क्या सबके सब मुझको एमीटर के टर्म्स में चाहिए, सारे के सारे वैल्यू मुझको एमीटर के टर्म्स में चाहिए। अगर सारे के सारे वैल्यू मुझको एमीटर के टर्म्स में चाहिए तो आपको मालूम है माइनस एच एफ सी किसके बराबर होता है वन प्लस एच एफ ई के बराबर होता है, ठीक है, अपॉन वन प्लस एच ओ सी और एच ओ ई के बीच में रिलेशन बताओ, एच ओ सी और एच ओ ई टेबल को याद करो फिर से, कॉमन बेस के लिए 1 अपॉन 2.04 मेगा ओम होता है, कॉमन एमिटर के लिए 1 अपॉन 40 किलो ओम होता है, और कॉमन कलेक्टर के लिए भी 1 अपॉन 40 किलो ओम होता है, मतलब एच ओ सी इक्वल टू एच ओ ई, क्लियर, एच ओ सी इक्वल टू एच ओ ई। तो मैं इसको क्या पुट करता हूं आपके लिए एच ओ ई। अब आर एल डैश, आर एल डैश क्या है मेरे लिए लोड है मेरे फर्स्ट ट्रांजिस्टर का, आर एल डैश क्या है मेरे लिए फर्स्ट ट्रांजिस्टर का लोड है, फर्स्ट ट्रांजिस्टर का लोड कितना दिख रहा है अभी निकाले हम लोग, फर्स्ट ट्रांजिस्टर का लोड क्या है हम लोग के लिए आर आई टू के बराबर है, सेकंड वाले के इनपुट डिपेंडेंस के बराबर, इसको जस्ट अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं लोड की वैल्यू को, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए एच आई ई प्लस वन प्लस एच एफ ई आर ई, बट मैं बात कर रहा हूं आपके लिए एक कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर की, मैं बात कर रहा हूं आपके लिए कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर की। कॉमन कलेक्टर में हमेशा एचएफई की वैल्यू क्या होती है आपके लिए ज्यादा होती है, हाई होती है, ठीक है। तो अगर एचएफई की वैल्यू ज्यादा होती है तो मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए, आपके लिए वन प्लस एचएफई को, वन प्लस एचएफई को लगभग मैं एचएफई मान सकता हूं, है ना, ये 100 होगा, 99 होगा ज्यादा से ज्यादा और क्या, है ना, लगभग मैं इसको एचएफई मान सकता हूं। तो अब मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखता हूं आपके लिए, है ना, तो ये ऊपर हो जाएगा मेरे लिए एच एफ ई, ऊपर वाला टर्म भी 1 प्लस एच एफ ई था, तो ये भी मेरे लिए क्या हो गया एच एफ ई के बराबर हो गया, अपॉन 1 प्लस एच ओ ई इंटू एच आई ई प्लस एच ओ ई एच एफ ई आर ई। ये हो गया मेरा करंट गेन फर्स्ट ट्रांजिस्टर का, ये क्या हो गया मेरे लिए करंट गेन फर्स्ट ट्रांजिस्टर, क्लियर हुआ। क्या किया मैं, बस 1 प्लस एच एफ ई को एच एफ ई लिख दिया, तो मुझको ऐसा मिल गया करंट गेन। अब करंट गेन के क्वेश्चन देखो क्या आया, ये एच एफ ई अपॉन 1 प्लस एच ओ ई एच आई प्लस एच ओ ई इंटू एच एफ ई आर ई, लगभग ऐसा आया है आपके लिए, ठीक है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें किसी भी नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं, सबके सब तो हाइब्रिड नंबर ही है और सबकी वैल्यू मुझको पता है, तो मुझको इसके आगे सॉल्व करने की और नीड नहीं है, बिल्कुल भी नीड नहीं है, ठीक है। तो मैं देखो आप ए आई वन देखो, आपको ए आई टू भी मिल गया, मतलब ये वाला इक्वेशन मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक, ए आई वन का, ये वाला इक्वेशन मेरे लिए सेकेंड इक्वेशन है ए आई टू का। अब मुझे क्या लिखना है, ओवरऑल वोल्टेज गेन लिखना है, सॉरी ओवरऑल करंट गेन लिखना है। तो ओवरऑल करंट गेन लिखूंगा अगर मैं, तो ए बी क्या, ए आई क्या हो जाएगा मेरे लिए ए आई वन इंटू ए आई टू,
अब देखो स्टार्ट क्या था मैं आपके लिए अप्रोक्सीमेट एनालिसिस वाले अजम्पशन से, फिर बीच में मैं आपके लिए जो अजम्पशन लिया कि वन प्लस एच एफ ई लगभग एच एफ ई के बराबर है, तो फर्स्ट वाले के गेन को भी मैं लगभग एच एफ ई लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि वन प्लस एच एफ ई को तो मैं एच एफ ई मान लिया हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए लगभग एच एफ ई के बराबर ही हो जाएगा, तो ए आई टू क्या हो गया मेरे लिए अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच एफ ई, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए ए आई, ए आई का एक्सप्रेशन आएगा मेरे लिए ए आई वन कितना आया मेरे लिए एच एफ ई अपॉन वन प्लस एच ओ ई एच आई ई प्लस एच ओ ई एच एफ ई आर ई इंटू एच एफ ई, ठीक है, इतना आसानी से सबको मैं एच एफ ई क्यों लिख रहा हूं, एक्चुअली अगर दोनों ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल नहीं होते तो मैं एक को लिखता एच एफ ई वन, एक को लिखता मैं एच एफ ई टू, लेकिन स्टार्टिंग में ही मैं अज्यूम किया कि ये क्या है मेरे लिए आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर, स्टार्टिंग में ही अज्यूम किया था मैं आइडेंटिकल, अदरवाइज मैं क्या करना पड़ता, फर्स्ट वाले के पैरामीटर को मैं एच एफ ई वन लिखता, एच सी वन लिखता, एच एफ सी वन लिखता, ऐसा करके लिखता, सेकंड वाले के लिए मैं टू टू करके लिखता, सब में सफिक्स लगता मेरा, लेकिन मैं स्टार्टिंग में ही अज्यूम कर लिया कि दोनों के दोनों ट्रांजिस्टर मेरे लिए क्या है आइडेंटिकल है, इस कारण मुझको बड़े आसानी से एक्सप्रेशन यहाँ पे मिल गया। सेकेंडरी चीज क्या, आपको नंबर का बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए कि आपके लिए एच ओ ई की वैल्यू कितनी है, एच आई ई की वैल्यू कितनी है, एच ओ ई एच एफ ई एच आर ई की वैल्यू कितनी है, ठीक है, तो आप बताओ मुझको एच ओ ई की वैल्यू कितनी होती है, एच ओ ई की वैल्यू कितनी होती है 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और एच आई ई की वैल्यू कितनी होती है 1100 ओम, ठीक है, मल्टीप्लाई करो दोनों को 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 1100 कितना आ रहा है, पॉइंट 275 अप्रोक्सीमेटली छोटी वैल्यू है, ठीक है। अगला वैल्यू को देखो क्या है, एच ओ ई इंटू एच एफ ई इंटू आर ई, एच ओ ई इंटू एच एफ ई इंटू आर ई, ठीक है, एच ओ ई क्या है आपके लिए अगेन 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और आपके लिए एच एफ ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी मान लो मैक्सिमम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा अगेन वो भी आपके लिए एक छोटी वैल्यू आएगी, वो भी आपके लिए क्या आएगी एक छोटी वैल्यू ही आएगी, आरी के साथ और मल्टीप्लाई होगा बाद में, है ना, तो कुल मिला के क्या होने वाला है आपको दिख रहा है आपके लिए क्या कि ए आई आपके लिए क्या बन रहा है, ए आई आपके लिए लगभग ऐसा बन रहा है एच एफ ई स्क्वायर अपॉन वन प्लस एच ओ ई एच आई ई प्लस एच ओ ई एच एफ ई आर ई, ठीक, ये क्या आया आपका करेंट गेन ऑफ डार्लिंगटन पेयर, ये क्या आया आपके लिए करंट गेन ऑफ डार्लिंगटन पेयर। थोड़ा और ध्यान से देखना, अगर आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर नहीं होते, सपोज करो आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर नहीं होते तो ऊपर क्या आता एच एफ ई वन इंटू एच एफ ई टू, और एच एफ ई वन का मतलब क्या बीटा वन, एच एफ ई टू का मतलब क्या बीटा टू, कौन सा वाला बीटा, बीटा ए सी, तो बीटा ए सी वन इंटू बीटा ए सी टू, तो एक्चुअली करंट गेन क्या होता है दोनों ट्रांजिस्टर के बीटा के प्रोडक्ट का फंक्शन होता है, इस कारण इसको हम लोग बोलते हैं सुपर बीटा सर्किट, इस कारण इसको क्या बोलते हैं हम लोग लगभग सुपर बीटा सर्किट। तो ये कैलकुलेट कर लोगे एग्जाम में आप लोग, है ना, बहुत आसान है, आप बस ध्यान से देखते जाना, बहुत आसानी से आपसे कैलकुलेट हो जाएगा ना, अगर आपका बेसिक्स क्लियर है कॉमन कलेक्टर कॉमन एमिटर का तो आराम से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो एग्जाम में बैठ के, ठीक है, और ये आता है एग्जाम में, ये आपके लिए एग्जाम में कन्फर्म आता है, ठीक है, और एक्चुअली कई बार सिर्फ करंट गेन निकालने को कहा गया है, सिर्फ और सिर्फ करंट गेन निकालने को कहा गया है आपके एग्जाम में, ठीक है, नोट करो उसको आराम से। मैं बात करता हूँ आपके लिए इनपुट इम्पिडेंस की, मैं आपके लिए इनपुट इम्पिडेंस की बात करता हूँ, तो अगर मल्टी स्टेज ट्रांसफर है तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेज का जो इनपुट इम्पिडेंस होगा वही आपके लिए सेकंड स्टेज का भी इनपुट इम्पिडेंस होगा, ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो मैं यहाँ से देखूंगा इनपुट इम्पिडेंस, ये क्या हो जाएगा मेरे लिए आर आई वन के बराबर होगा, जो मैं टोटल इनपुट इम्पिडेंस है वो क्या हो जाएगा मेरे लिए आर आई वन के बराबर होगा लगभग, तो अगर मैं आर आई वन की वैल्यू लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए एच आई ई प्लस ए आई वन इंटू आर एल टू। एक्चुअली क्या है आपके लिए जो आर एल टू है ये आपके लिए आर आई टू के बराबर है, जो आपका लोड रजिस्टर है फर्स्ट ट्रांजिस्टर का वो क्या है आपके लिए इनपुट इम्पिडेंस ऑफ सेकेंड ट्रांजिस्टर के बराबर है, ठीक है, एच आई तो आपको मालूम ही है ना, एच आई तो एक नॉर्मल हाइब्रिड पैरामीटर का नंबर है, ए आई वन जस्ट हम लोग कैलकुलेट किए थे, ठीक है, तो जस्ट कैलकुलेट किए थे उसमें ये वाला इक्वेशन आया था हमारे लिए, ठीक है, ये वाला इक्वेशन आया था, इसमें थोड़ा ध्यान से देखना आप, है ना, जो आपका इक्वेशन है यहाँ पे एच आई ई प्लस वन प्लस एच एफ ई आर ई, एच आई ई का वैल्यू कितना होता है 1100, वन प्लस एच एफ ई कन्फर्म हाई नंबर क्योंकि मैं कॉमन कलेक्टर को डील कर रहा हूँ, है ना,
तो वन प्लस एच एफ ई बहुत बड़ा नंबर है। अगर मैं बात करूं आरई की और एच आई ई की, अगर मैं बात कर रहा हूं सिर्फ आरई की और एच आई ई की, दोनों की लगभग कंपेरेबल होगी, लगभग दोनों की वैल्यू क्या होगी आपके लिए कंपेरेबल होगी, ये भी 1 किलो में तो ये भी 1-2 किलो के आसपास होगा, है ना। एच आई की वैल्यू 1100 ओम होती है, इसमें 1 प्लस एच एफ ई मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब क्या कम से कम 100 मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, तो ये वाला टर्म आपके लिए 100 टाइम्स बड़ा है इससे। तो मैं एच आई को यहां से इग्नोर कर सकता हूं क्या, मैं एच आई को यहां से इग्नोर कर सकता हूं। सेकेंडरी चीज, 1 प्लस एच एफ ई को लगभग मैं एच एफ ई लिख सकता हूं क्या, 1 प्लस एच पी को लगभग मैं लिख सकता हूं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा मेरे लिए, ये जो ए आई वन का इक्वेशन है, ए आई वन के इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूं, 1 प्लस एच एफ ई को तो मैं एच एफ ई लिख डाला अपॉन 1 प्लस एच ओ ई इंटू एच एफ ई इंटू आर, ठीक। ये क्या क्या मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन अपने लिए लगा डाला, ठीक है। तो ये आर आई टू क्या हो जाएगा मेरे लिए, आर आई टू हो जाएगा मेरे लिए एच आई टू, आर आई टू क्या है मेरे लिए, सॉरी आर आई वन है, ये भी आर आई वन है, और ये आर आई वन ही मेरे लिए क्या है आर आई है, तो ये जाएगा एच आई ई प्लस ए आई वन की वैल्यू कितना लेके आया मैं आपके लिए, एच एफ ई अपॉन 1 प्लस एच ओ ई एच एफ ई आर ई इंटू आर आई टू। आर आई टू की वैल्यू कितनी है, आर आई टू की वैल्यू कितनी है निकाला था ना अभी, तो एच आई प्लस 1 प्लस एच एफ ई इंटू आर ई, 1 प्लस एच पी को अगेन हम लोग क्या मान लेंगे एच एफ ई मान लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए एच आई ई प्लस 1 प्लस एच एफ ई आर ई, लगभग ये हो जाएगा। इसको देखो 1 प्लस एच पी को तो हम लोग क्या मान के रखे हैं एच एफ ई, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं पूरे टर्म को, आर आई हो जाएगा मेरे लिए एच आई ई प्लस एच एफ ई अपॉन 1 प्लस एच ओ ई एच एफ ई आर ई इंटू, ठीक। अब इस टर्म को देखो, ध्यान से इस टर्म को देखना, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके लिए एच आई है 1 प्लस एच एफ ई आर ई है, एच आई ई और एच आर ई कंपेरेबल है, ठीक है। 1 प्लस एच एफ ई आपके आर ई में मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये वाला पार्ट क्या रहने वाला है डोमिनेटिंग होने वाला है, अगर ये वाला पार्ट डोमिनेटिंग है तो क्या हो जाएगा मैं एच आई ई को इग्नोर कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो 1 किलो में, तो 100 किलो में, तो 100 किलो के सामने तो 1 किलो को इग्नोर कर दिया, इधर क्या बच रहा है 1 प्लस एच एफ ई इंटू आर ई। अब 1 प्लस एच एफ ई को क्या मान लिया हूं मैं एच एफ ई, उसको क्या लिख दूंगा मैं आपके लिए एच एफ ई इंटू आर ई, तो यहाँ मल्टीप्लाई क्या होगा मेरे लिए एच एफ ई इंटू आर ई, तो लगभग मेरे लिए आर आई का एक्सप्रेशन क्या बचेगा एच आई ई प्लस एच एफ ई स्क्वायर आर ई अपॉन 1 प्लस एच ओ ई एच एफ ई आर ई। ये क्या हो जाएगा आपके लिए एक एक्सप्रेशन इनपुट इम्पिडेंस का। कुछ लोग क्या करते हैं, जो सेकेंड वाला टर्म है ना वो बहुत बड़ा है, एच एफ ई स्क्वायर है ना, एच एफ ई तो वैसे भी 100 है, 100 का स्क्वायर क्या 10,000 हो गया, तो सेकेंड वाला टर्म क्या बहुत बड़ा है, तो बहुत सारे बुक में ये एच आई ई मिसिंग होता है। ये मिसिंग क्यों होता है, क्योंकि इसको उन लोग इग्नोर कर देते हैं ना। तो जब भी आप डालिंटन पेयर का डेरिवेशन देखोगे तो कुछ कुछ टर्म आपको मिसिंग दिखेंगे, लेकिन अभी आपको पता है कि हम लोग कैसे कैसे वहां पे अप्रोक्सीमेशन लिए हैं, है ना। तो आपको एक ऐसा इक्वेशन डिराइव करते आना चाहिए, एक बार हम लोग क्या किए करंट गेन डिराइव किए, एक बार हम लोग क्या किए आपके लिए इनपुट इम्पिडेंस डिराइव किए, ठीक है। तो ये वो आपका इक्विवेलेंट इनपुट इम्पिडेंस, ठीक, और वो हम लोग का था करंट गेन का एक्सप्रेशन, ठीक है। क्लियर हुआ सबको, दोनों एग्जाम में कर लोगे दोनों डेरिवेशन। हाँ, एच एफ ई की वैल्यू नहीं, 50 होती है जब टेम्परेचर आपका 25 होता है, एफ आपका 1000 हर्ट्ज होता है, और आई आपका 1.3 होता है, अपन हाई मान के चल रहे हैं कुछ किसी भी टेम्परेचर कंडीशन पे, है ना, ठीक है। बट जब भी डालिंटन पेयर का क्वेश्चन आए आपको स्टार्टिंग में अजम्पशन लिखना ही लिखना है, अदरवाइज ये इतने आसानी से नहीं आएगा एक्सप्रेशन, ऐसे ही बहुत बड़ा बन रहा है, और भी बड़ा बनेगा जब आपके लिए एच एफ ई वन एच एफ ई टू हो जाएगा, है ना। और नॉन आइडेंटिकल केस आज तक नहीं बोला है, सी एस पी टू एग्जाम में तो कभी नहीं बोला है, गेट के एग्जाम में भी कभी भी आपके लिए नॉन आइडेंटिकल केस नहीं बोला है, ठीक है। क्लियर हुआ ये वाला। वोल्टेज गेन की बात करने वाले हम लोग, है ना। अगर मैं नॉर्मली यहाँ पे वोल्टेज गेन की बात करूँ तो नॉर्मली वोल्टेज गेन क्या होगा, एक कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है, ठीक है। अगर एक कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, तो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन कितना होता है आपके लिए, यूनिटी होता है, दो लगा दिया हूं तो यूनिटी इंटू यूनिटी अगेन यूनिटी, ठीक है। तो कन्वेंशनली क्या होना चाहिए आपके लिए, कन्वेंशनली आपके वोल्टेज गेन की वैल्यू यहाँ पे 1 होनी चाहिए, मतलब ए वी 1 भी 1 के बराबर होना चाहिए, ए वी 2 भी आपके लिए 1 के बराबर होना चाहिए, मगर आपको मालूम है कि एग्जैक्टली 1 के बराबर कभी नहीं होता, एग्जैक्टली 1 के बराबर वोल्टेज गेन कभी भी नहीं होता, हमेशा क्या होता है वो 0.99 या 0.98, उससे अपन काम चला लेते हैं, उसको अपन लगभग यूनिटी बोल डालते हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे दो स्टेज लगा हुआ है, तो अगर मैं दो नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा जिनकी वैल्यू 1 से कम है, तो क्या हो जाएगा वो आपके लिए और छोटा होते जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं आपके, सबसे पहले तो वोल्टेज गेन की वैल्यू ए वी को
एवी वन इंटू एवी टू, ठीक है, ऐसा मैं लिख पाता हूँ आराम से, क्योंकि मेरा जो बीच में लोडिंग रजिस्टर है वो क्या इन्फिनिटी, तो ऐसा प्रॉपर इंपेडेंस मैचिंग तो हम लोग ऐसा लिख ही सकते हैं, अगर ऐसा ना भी हो तो भी हम ऐसा लिख देते हैं लगभग, क्योंकि थोड़ा लोडिंग इफेक्ट का एरर आता है, एरर मतलब 2-3% ही तो आता है ना, तो भी अपन ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है नॉर्मली, लेकिन करेक्ट कब है ये एग्जैक्टली जब आपका लोडिंग इफेक्ट यहाँ पे जीरो हो तब उसके बाद है, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे दोनों के वोल्टेज गेन को इंडिविजुअली कैलकुलेट करने वाला हूँ और एग्जैक्ट एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने वाला हूँ, ठीक। मुझको मालूम है ये वैल्यू 1 के आसपास ही आएगी, फाइनल वैल्यू जो है वो 1 के पास आसपास ही आएगी, अगर मैं गेट का एग्जाम दे रहा होता तो मैं क्या करता यहाँ पे तुरंत 0.9 मार्क करता, खत्म बात, है ना, मैं तुरंत 0.9 मार्क कर डालता अगर गेट का एग्जाम दे रहा होता तो, है ना। लेकिन अभी क्या करना है मुझको, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डिराइव करके निकालना है, ठीक है। तो बात क्या होती है कि कॉमन करेक्टर एम्पलीफायर है, यूनिटी वोल्टेज गेन होने वाला है आपके लिए, ठीक है। लेकिन हम लोग करंट गेन का एनालिसिस कर चुके हैं, जब हम लोग करंट गेन का एनालिसिस किए तो हम लोग बीच में एक पॉइंट लेके आए थे HOC into RL वाला एक पॉइंट लेके आए थे, उससे हमें क्या पता चला था कि जो हम लोग का सेकंड ट्रांजिस्टर है, मतलब कि जो हम लोग का Q2 है, तो Q2 के लिए मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, AV2 कैलकुलेट करूंगा। AV2 को मैं आपके लिए अप्रोक्सीमेट एनालिसिस से निकाल सकता हूँ, ठीक है। AV2 को मैं अप्रोक्सीमेट एनालिसिस से निकाल सकता हूँ, ठीक है। जो सेकंड ट्रांजिस्टर है मेरा वहां पे अप्रोक्सीमेट एनालिसिस वाला पार्ट वैलिड था, लेकिन जो मेरा फर्स्ट ट्रांजिस्टर है वहां पे मेरा अप्रोक्सीमेट एनालिसिस वाला पार्ट वैलिड नहीं है, ठीक है। तो जो Q1 ट्रांजिस्टर है इसके लिए जो मेरा वोल्टेज गेन होगा ये होगा मेरे लिए AV1 के बराबर, और ये हो जाएगा आपके लिए एग्जैक्ट एनालिसिस पे बेस्ड, ठीक है, ये हो जाएगा आपके लिए एग्जैक्ट एनालिसिस पे बेस्ड, ठीक। तो मैं वैसे क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा आपके लिए AV1 के लिए। देखो आप ध्यान से देखो, जो मैं सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूँ ऐसा ही सीक्वेंस में हर जगह फॉलो करूँ, सबसे पहले क्या करता था मैं करंट गेन कैलकुलेट करता था, कॉमन कलेक्टर हो कॉमन एमिटर हो जो भी हो, सबसे पहले मैं हमेशा करंट गेन कैलकुलेट करता था, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या किया, करंट गेन कैलकुलेट किया, उसके बाद क्या किया मैं आपके लिए इनपुट इंपेडेंस कैलकुलेट किया। अब मेरे पास जब वोल्टेज आया है, वोल्टेज गेन आया, तो मैं उसका एडवांटेज भी लूंगा, है ना, क्योंकि मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला पता है ना। देखिए मेरा AV1 क्या होगा, AV1 हो जाएगा मेरे लिए AI1 इंटू RL1 अपॉन RI1, ठीक है। और क्या हो जाएगा मेरे लिए, जो मेरा AV2 है, AV2 हो जाएगा मेरे लिए AI2 इंटू RL2 अपॉन RI2, ठीक है। इस एक्सप्रेशन का मैं एडवांटेज भी लूंगा, क्योंकि मुझको दोनों की वैल्यू मालूम है, मुझको करंट गेन की वैल्यू भी मालूम है, मुझको वोल्टेज गेन की वैल्यू भी मालूम है। सबसे पहले मैं कहां से स्टार्ट करने वाला हूं, मैं सेकंड ट्रांजिस्टर से स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। मैं सेकंड ट्रांजिस्टर से स्टार्ट करने वाला हूं, मतलब Q2 की बात करने वाला हूं। अगर Q2 के लिए मैं बात करूं तो Q2 के लिए क्या हो जाएगा मेरे लिए, मैं इसको AV2 लिख सकता हूं, मैं AV2 हो जाएगा मेरे लिए वोल्टेज गेन सेकंड ट्रांजिस्टर का, ठीक है। मैं यहाँ पे सारी के सारी वैल्यूज को पुट करता हूँ आपके लिए, ठीक है, सारी के सारी वैल्यूज को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, AI का एक्सप्रेशन मालूम है क्या मेरे को, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, देखो थोड़ा सा इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, है ना, इसको ऐसा लिखता हूँ मैं RL2 अपॉन RI2, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है मेरे पास फर्स्ट वाले का, ठीक है, थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा लिखता हूँ, देखना ये करेक्ट है क्या। 1 AV2 इक्वल टू 1 AI2 इंटू RL2 अपॉन RI2, करेक्ट है क्या ये एक्सप्रेशन, कुछ नहीं दोनों साइड से बस 1 से माइनस कर दिया, दोनों साइड को सिंप्लीफाइड, है ना। तो मैं ऐसा लिखा उसको, ठीक। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, इसको AV2 ही रहने देता हूँ, इसको करता हूँ मैं RI2 माइनस AI2 इंटू RL2 अपॉन RI2, करेक्ट है क्या ये वाला, ठीक है, नॉर्मल मैं ऐसा किया, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाया इसमें, ठीक है। अब मैं RI2 की बात करूँ तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अभी मैं RI2 की वैल्यू को पुटअप करता हूँ, RI2 की वैल्यू को पुटअप करता हूँ। RI2 का वैल्यू होगा मेरे लिए HIE + AI2 इंटू RL2 माइनस AI2 इंटू RL2 अपॉन RI2। मेरे को मालूम है कि जो मेरा AI है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1+HFE हो जाएगा, उसका वैल्यू मेरे 1+HFE हो जाएगा। मैं यहाँ पे पुट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पुट नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली क्या होता है ये 1+HFE इंटू RE, RL2 RE है, AI2 1+HFE वो मुझको मालूम है, बट मैं यहाँ पे पुट नहीं किया, ठीक है, पुट नहीं किया। तो क्या हो गया, ये दोनों टर्म मेरे लिए आसानी से कैंसिल हो गए, ये दोनों टर्म मेरे लिए क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो अब मुझे कैसा दिख रहा है ये एक्सप्रेशन, 1 AV2 इक्वल टू HIE अपॉन RI2, ठीक है, ऐसा दिख रहा है एक्सप्रेशन मुझको, क्लियर हुआ मैं क्या किया यहाँ पे। मेरे को मालूम है कि AI2 की वैल्यू कितनी है 1+HFE, RL की वैल्यू कितनी है RE, क्योंकि मैं सेकंड के लिए बात कर रहा हूँ, सेकंड ट्रांजिस्टर के लिए लोड कितना है RE, है ना,
मैं क्या किया, बस वैल्यू को पुट नहीं किया ताकि मुझको सिंप्लीफाइड वे में ए वी मिल जाए, ताकि मुझको सिंप्लीफाइड वे में ए वी मिल जाए। तुरंत मैं कुछ नहीं किया, दो स्टेप में मुझको ए वी मिल गया। तो ए वी क्या दिख रहा है मुझको, ए वी टू, यहाँ पे ए वी टू दिख रहा है मुझको वन माइनस एच आई ई अपॉन आर आई टू। ये आया मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन, ये आया मेरे लिए मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन, मतलब वोल्टेज गेन सेकेंड एम्पलीफायर का। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई वैल्यू वैल्यू पुट नहीं किया। ठीक है, अब देखो सेकेंड की बात करता हूँ मैं, मतलब फर्स्ट आंसर की बात करता हूँ। ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, ए आई वन इंटू आर एल वन अपॉन आर आई वन। ठीक है, ये हो जाएगा आर आई वन। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट ट्रांजिस्टर की। फर्स्ट ट्रांजिस्टर की जब मैं बात कर रहा हूँ तो बताओ मुझको यहाँ पे करंट गेन की वैल्यू जो होनी होगी वो होगी, ठीक है, आर एल की वैल्यू कितनी है फर्स्ट ट्रांजिस्टर के लिए, लोड की वैल्यू कितनी है आर आई टू, जो सेकंड ट्रांजिस्टर का इनपुट इंपेडेंस है वो फर्स्ट ट्रांजिस्टर के लिए लोड की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है मेरे लिए आर आई वन। ठीक है, तो इसमें भी सेम स्टाइल फॉलो करता हूँ मैं, ये हो गया मेरे लिए वन माइनस ए वी वन इक्वल टू ए आई इंटू इक्वल टू वन माइनस ए आई वन इंटू आर एल वन अपॉन आर आई वन। ठीक, सेम इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैं तो ये हो गया मेरे लिए वन माइनस ए वी वन इक्वल टू आर आई वन माइनस ए आई वन इंटू आर एल वन अपॉन आर आई वन। ठीक है, इसको दोबारा लिखता हूँ मैं, ये हो जाएगा मेरे लिए वन माइनस ए वी वन इक्वल टू आर आई की वैल्यू हो जाएगी वही सेम एच आई ई प्लस ए आई वन इंटू आर एल वन, इररिस्पेक्टिव जो भी उसकी वैल्यू हो, इररिस्पेक्टिव हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए आई वन इंटू आर एल वन अपॉन आर आई वन। एक्चुअली क्या है कि जो मेरे ए आई वन की वैल्यू आई थी वो भी बहुत बड़ी वैल्यू आई थी, आपको लास्ट केस में याद है हमने पूरा वैल्यू कैलकुलेट किए थे, है ना। तो अगर मैं उस वैल्यू को यहाँ पुट करूंगा तो काटने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, इस कारण में क्या किया इसको डायरेक्ट थोड़ा सा मैथमेटिकली मैनिपुलेट किया और मैं डायरेक्ट निकाल लिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से ये भी कैंसिल, तो वन माइनस ए वी वन क्या हो जाएगा, वन माइनस ए वी वन हो जाएगा मेरे लिए एच आई ई अपॉन आर आई वन। तो ए वी वन की वैल्यू हो जाएगी मेरे लिए वन माइनस एच आई ई अपॉन आर आई वन। ठीक है, अब एम्पलीफायर कौन से है, दोनों दोनों के दोनों मेरे लिए कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है, दोनों के दोनों मेरे लिए क्या है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है। कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का इनपुट इंपेडेंस क्या होता है, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का इनपुट इंपेडेंस क्या होता है, हाई होता है, कन्फर्म हाई होता है दोनों केस में। ठीक है, तो दोनों का एक्सप्रेशन देखो आप, इसमें क्या आया है सेकंड वाले में डिनोमिनेटर में आर आई टू, इसमें क्या आया है आर आई वन। अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूं ए वी का तो ए वी क्या आ जाएगा मेरे लिए ए वी वन इंटू ए वी टू। तो अगर मैं ए वी का एक्सप्रेशन लिखूं तो ये आ जाएगा मेरे लिए वन माइनस एच आई बाय आर आई वन इंटू वन माइनस एच आई ई बाय आर आई टू। दोनों को मैं एच आई ई क्यों लिख पा रहा हूं, क्योंकि दोनों ट्रांजिस्टर को मैं यहां पे आपके लिए आइडेंटिकल मान के चल रहा हूं, दोनों ट्रांजिस्टर को मैं यहां पे क्या मान के चल रहा हूं आइडेंटिकल मान के चल रहा हूं। अब मुझको मालूम है कि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है एच आई डिवाइडेड बाय इनपुट इंपेडेंस ऑफ ट्रांजिस्टर वन इनपुट इंपेडेंस ऑफ ट्रांजिस्टर टू, और सामने लगा हुआ है वन का टर्म। आपको मालूम है कि एक कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का इनपुट इंपेडेंस हमेशा हाई होता है, अगर इनपुट इंपेडेंस हमेशा हाई होता है तो एच आई ई माइनस आर आई, तो एच आई ई की वैल्यू कितनी है वन किलो ओम, अगर इनपुट इंपेडेंस हाई है तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो जो रेशो है एच आई ई और आर आई वन का, ये रेशो बहुत छोटा होगा, ये रेशो क्या होगा आपके लिए बहुत छोटा होगा, तो लगभग वो वैल्यू क्या होगी यूनिटी के आसपास होगी, लगभग ये वाली वैल्यू भी अप्रॉक्सीमेटली यूनिटी के आसपास होगी, ये वाली वैल्यू भी अप्रॉक्सीमेटली यूनिटी के आसपास होगी, क्योंकि जो आपकी एच आई ई अपॉन आर आई वन का रेशियो है ये वैल्यू बहुत छोटा होगा, क्योंकि आपका इनपुट इंपेडेंस बहुत बड़ा होता है एक कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर के केस में। तो आपको एक्चुअली यहाँ पे दो यूनिटी मल्टीप्लाई होते हुए दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, सेकेंड वाला टर्म लगभग क्या है आपके लिए इग्नोरेबल है। ठीक है, सेकेंड वाले टर्म को आप इग्नोर कर सकते हो। तो आपको इस मेथड से वोल्टेज गेन निकालना बहुत आसान पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा बस मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है, अदरवाइज अगर आप पूरी वैल्यू लेके चलोगे तो एंड में अगर कहीं मिस्टेक हुआ प्लस माइनस तो कटेगा नहीं आपसे वैल्यू, है ना। और यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि दो यूनिटी नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो सेकंड टर्म है आपका ये बहुत छोटा नंबर है, इसकी वैल्यू 0.02 0.01 के आसपास होगी, मतलब 0.99 0.98 ऐसा कुछ दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे लिए वो
वन के आसपास आएगा, जब अप्रोक्सीमेटली दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे लिए वन के आसपास आएगा। इसी कारण इसको मैं बोलता हूं डार्लिंगटन पेयर एमिटर फॉलोअर, ठीक है, डार्लिंगटन पेयर एमिटर फॉलोअर, क्योंकि इसका वोल्टेज गेन क्या होता है, लगभग यूनिटी के आसपास होता है। लेकिन ऐसा मैं कब बोलूंगा, जब मेरे पास दो ही स्टेज कनेक्टेड है, तो अगर एन नंबर ऑफ स्टेजेस कनेक्टेड रहेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू धीरे धीरे छोटी होती जाएगी। क्लियर सबको? तो ये आया आपके वोल्टेज गेन का एक्सप्रेशन, है ना। आपको हमेशा यही मेथड फॉलो करना है, आप ज्यादा वैल्यू वैल्यू पुट मत करना एआई वगैरह की, अदरवाइज टफ हो जाएगा, है ना। तो आप कभी भी एआई वगैरह की वैल्यू पुट मत करना जब भी आपको वोल्टेज गेन निकालने बोलेगा। तो आपको एक क्वेश्चन आता है 7 मार्क्स में, वहां पे आपको बोलता है कि प्रूफ दैट डार्लिंगटन पेयर इज एमिटर फॉलोअर। तो आपको ये एक्सप्रेशन निकालना है, फिर डिफाइन करना है कि एच आई और आर आई वन का रेशो क्या है, बहुत छोटा है, तो लगभग दोनों का वोल्टेज गेन यूनिटी के आसपास होता है। क्लियर, नोट करो उसको। हमको निकालना है अभी क्या, यहाँ पे आउटपुट इम्पीडेंस, फिर आउटपुट इम्पीडेंस दोनों एक ही बात है ना, चाहे आप उसको रेसिप्रोकल करके निकाल लेना, है ना। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे वाई नॉट क्या होगा, वाई नॉट की अगर बात करूं मैं तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए, आउटपुट एडमिटेंस, आउटपुट एडमिटेंस ऑफ सेकेंड एम्पलीफायर, आउटपुट एडमिटेंस ऑफ सेकेंड एम्पलीफायर। जब भी मैं इनपुट वाले की बात करता हूँ तो क्या होता है, इनपुट इंपेडेंस होता है मेरे लिए फर्स्ट स्टेज वाले का इनपुट इंपेडेंस के बराबर, और आउटपुट एडमिटेंस क्या होता है मेरे लिए लास्ट स्टेज के आउटपुट एडमिटेंस के बराबर, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे बात करूँ आपके लिए y नॉट की, तो y नॉट का एक्सप्रेशन अपन जनरलाइज लिखते हैं ऐसा, एच ओ माइनस एच आर इंटू एच एफ अपॉन एच आई प्लस आर एस, ऐसा हम जनरली लिखते हैं, जनरल एक्सप्रेशन जो हमने निकाल के रहे थे जनरलाइज मॉडल में, ठीक है। अब एक एम्पलीफायर कौन सा है, ये एम्पलीफायर अपने कॉमन कलेक्टर है, कॉमन कलेक्टर मतलब क्या, सब में सी लग जाएगा, ठीक है। तो मैं सब में लगाता हूँ सी यहाँ पे, तो वाई नॉट क्या हो जाएगा मेरे लिए, एच ओ सी माइनस एच आर सी एच एफ सी अपॉन एच आई सी प्लस आर एस, ऐसा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अगर किसी को ध्यान हो तो आपको याद होगा कि एच आर सी की वैल्यू, एच आर सी की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। एक कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर हमेशा वोल्टेज फॉलोवर होता है, तो उसका जो रिवर्स वोल्टेज गेन होता है वो क्या होता है आपके लिए, यूनिटी के आसपास होता है। तो मैं यहाँ पे एच आर सी को 1 पुट कर सकता हूँ क्या, मैं यहाँ पे एच आर सी को क्या करता हूँ, 1 पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे लिए एच ओ सी माइनस एच एफ सी अपॉन एच आई सी प्लस आर एस, ठीक है। अब क्या हो गया एक्सप्रेशन मेरे लिए, एच आर सी को मैं 1 पुट कर दिया, ठीक है। आपको मालूम है कि माइनस एच एफ सी जो होता है किसके बराबर होता है, 1 प्लस एच एफ सी के बराबर होता है, ठीक है। तो उसको मैं लिख सकता हूँ आपके लिए एच ओ सी प्लस 1 प्लस एच एफ ई अपॉन एच आई सी प्लस आर एस, ऐसा लिख सकता हूं मैं यहां पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरे लिए, आउटपुट एडमिटेंस का एक्सप्रेशन हो गया। आपको ध्यान हो तो एच ओ सी और एच ओ ई के बीच में रिलेशन बताओ, एच ओ सी और एच ओ ई इक्वल होता है क्या, ठीक है। तो यहां पे क्या पुट करूंगा मैं, एच ओ ई, और क्या बच रहा है, एच आई सी, एच आई सी और एच आई के बीच में क्या रिलेशन होता है, सेम होता है ये भी, ठीक। तो मेरे लिए वाई नॉट क्या हो जाएगा, वाई नॉट हो जाएगा मेरे लिए एच ओ ई प्लस 1 प्लस एच एफ ई अपॉन एच आई ई प्लस आर एस। तो ये क्या मेरे लिए, आउटपुट एडमिटेंस का एक्सप्रेशन, इसका उल्टा कर लेंगे हम लोग तो हम लोग को आउटपुट रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो एक डार्लिंगटन पेयर के लिए चारों के चारों हम लोग यहाँ पे क्वांटिटीज डिराइव कर दिए। आपके एग्जाम की बात करूं तो चारों एक साथ डिराइव करने कभी भी नहीं आया है ना, चारों एक साथ डिराइव करने कभी भी नहीं आया है। करंट गेन और वोल्टेज गेन की मैक्सिमम टाइम बात करता है, ठीक है। करंट गेन और वोल्टेज गेन निकालने के लिए आपसे मैक्सिमम टाइम बात करता है, वो करंट गेन और वोल्टेज गेन निकालना है, ऐसा पूछता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन डार्लिंगटन पेयर। तो आपको क्या करना है, वहां पे जो आपको पॉइंट्स लिखवाए वो सारे पॉइंट्स लिख देना, वोल्टेज गेन वाला पार्ट प्रूफ कर देना, करंट गेन वाला पार्ट प्रूफ कर देना, ठीक है। और बाकी चार पॉइंट तो मैं आपको स्टार्टिंग में लिखवा दिया था, इनपुट इंपेडेंस आउटपुट इंपेडेंस के बारे में नोट करो उसको।